इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कोई पार्टिकल जब चल रहा होता है तो शुरू में वेलोसिटी यू है और ये एक्सलेटर पे पैर दबाया हुआ है कार ड्राइवर ने, कांस्टेंट एक्सलेशन ए से ही आगे बढ़ रही है गाड़ी और कुछ दूर आगे चल के इसका स्पीड हो गया है वी और इसमें टाइम लग रहा है टी। तो इनके यू भी और ये जो डिस्प्लेस हुआ है एस, इन सब में ये रिलेशन है, यू भी एस ए टी में रिलेशन है। तो इसे हम लोग कह दे रहे हैं कार, कार जब चलना शुरू किया तो टी टाइम में स्पीड बदलकर यू से भी हो गया क्योंकि एक्सेलरेटर पे पैर दबाया हुआ था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट है एस और टाइम है टी। अब चेक करिए, हम लोगों ने पिछले टर्न पे इस कार के चलने के जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यदि है, ध्यान से देखिएगा, ये शुरू में कोई न कोई वेलोसिटी रहा होगा यू और ये ऐसे बढ़ते चला गया यूनिफॉर्म, जब एक कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है कर्व। तो ये जब टाइम टी हो गया तो टाइम टी होते होते स्पीड भी बदल करके हो गया, अभी इस पॉइंट को कह दे रहे हैं ओ, ये पॉइंट कह दे रहे हैं ए बी, यहां से एक लाइन यहां कर दे रहे हैं, इस जगह कह दे रहे हैं सी और ये पॉइंट कह दे रहे हैं डी। ग्राफ कौन सा है, तो ग्राफ है ये दिया गया है कि स्पीड बढ़ता गया यू से बदलते बदलते भी हो गया, बढ़ता गया और ये भी हो गया यू से बदलते बदलते। अब हम लोग यदि देखें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन जो था, इस आइडिया को यदि हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसको एक बार चेक करते हैं क्या दिख रहा है और टाइम टेकन क्या दिख रहा है, ग्राफ से चेक करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, यदि मैं कहता हूं चेंज इन वेलोसिटी तो शुरू का वेलोसिटी कहां से कहां तक है, इतना बड़ा लाइन है यू और बाद वाला वेलोसिटी ये वी है, तो इनका चेंज जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस तो होगा यहां से यहां, तो चेंज इन वेलोसिटी जब हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा चेंज इन वेलोसिटी, तो ये आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी भी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये चित्र के हिसाब से देखेंगे तो ये ध्यान से देखिएगा फाइनल वेलोसिटी का चित्र में जो लेंथ दिख रहा है बी से सी तक का और इनिशियल वेलोसिटी का लेंथ दिख रहा है डी से सी तक का, और उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस देखिएगा बी से डी तक वाला, ये हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ से चित्र से, आराम से यहां तक पहले नोट कर लीजिए कॉपी पे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले हमने देखा कि डिराइव करना चाहते हैं किसको, एक कार चल रही थी रोड पे
उसके इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसमें जो वो चल करके गई वो डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो टाइम लगा टी, और एक्सलेशन जो था ए, इन क्वांटिटीज के बीच यू वी एस ए टी में, इनमें जो रिलेशन होगा ना वो कहलाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये तीन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर एक टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में एक जैसा ही स्पीड बदल रहा है, ये कांस्टेंट है, उसके लिए ये तीन रिलेशन आते हैं, इन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। भी जो है यू से बढ़ेगा, टी टाइम में कितना बढ़ जाएगा, यू प्लस ए टी, ए है यूनिट टाइम में बदलने वाला स्पीड, टी टाइम में कितना बदला, ए टी, तो नया वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ अब आप चेक करिए, पहले नोट करिए यहाँ तक, और ये डिफरेंस नहीं समझ में आए तो डिफरेंस कुछ ग्राफ में मैं एक बार और समझाऊंगा, फिर से चित्र बना के आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से तीन, इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहला जो हमने ग्राफ एक लिया वो कौन सा ग्राफ लिया है, वो ग्राफ लिया है, नाम लिखा उसका वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो ग्राफ बनाया कहाँ, नीचे लिखा हुआ है, एक y एक्सिस पे हमने ले लिया है वेलोसिटी, और x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल वाले पे लिख दिया है टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमारे सामने है। अब वो ग्राफ मतलब दो एलिमेंटों का रिलेशन, एक्स वाई कहते ही कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट चुनूंगा तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स और एक वाई, तो एक वी और टी। तो टाइम यहाँ देखिए, यहाँ टाइम जीरो है ओरिजिन के पास, और आगे बढ़ते गए टाइम टी हो गया, और स्पीड यू से बदलते गया वी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, ये ए बी देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है ब्लू वाला, ए बी लाइन को कहोगे चलने वाली कार की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले कार की वी टी ग्राफ। आपने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, यहां देख रहे हैं एक तो चेंज इन वेलोसिटी, एक बार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी माइनस यू बाय टी। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और वी को रहने दें और यू को लेफ्ट साइड में ले आए, तो यू प्लस ए टी किसके बराबर हो गया, यू प्लस ए टी बराबर हो गया वी के। तो पहला इक्वेशन तो यही निकल के चला आया आपके पास, v बराबर u प्लस at। सर एक बार इसे और बताओ, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर में मैं लिख रहा हूं डायग्राम के नीचे, डायग्राम में देखिए एक्सलरेशन आप कैसे लिखते हैं, एक्सलरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन आ गया है v माइनस यू बाय t, at इक्वल्स टू v माइनस यू,
तो यहां से आ गया u प्लस ए टी इक्वल्स टू v, या v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये रिजल्ट तो आपको ऐसे निकल कर चला आया। इसमें कोई ग्राफ में जाने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ी अपने को। लेकिन जब आप बात करेंगे कि और मुझे रिजल्ट चाहिए, और कौन से रिजल्ट चाहिए भाई, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसके लिए ग्राफ में हमें जाना जरूरी है। कैसे, चेक करिए, ये चेंज इन वेलोसिटी के बदले आप लिख सकते हैं अब बी डी बाय टाइम टेकन टी इस लाइन के बाद, तो ये लिख सकते हैं फिर से। मतलब जब चेंज इन वेलोसिटी हो गया ये आप देख रहे हैं बी डी, तो बड़े आराम से आप ये लिख दे सकते थे एक्सलेशन इक्वल्स टू बी डी बाई टी। और यहां से आपके पास क्या चला आ रहा है, बी डी इक्वल्स टू ए टी, बी डी इक्वल्स टू ए टी तो आ गया। अब क्या करेंगे, तो पिछले टर्न पर हम लोगों ने चर्चा किया है, क्या चर्चा किया है कि एरिया अंडर द कर्व, यहां जो कर्व का एबी के नीचे जो एरिया दिख रहा है, ये जिसमें ब्लू डॉट मैंने डाल दिया, वो कहलाता है एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा। अब आप सोचो, यदि एरिया अंडर द कर्व के बारे में मैं बात करता हूं, तो ये लिखने की कहानी शुरू कैसे करूं, ऐसे देखिए, We know that displacement S equals to area under VT curve. यहां पर हो जाएगा area of, ध्यान दीजिएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या आप लोग जानते हैं? सर आप d1 plus d2 into height, half into d1 plus d2 into height, half into d1 plus d2 into height, ठीक है। तो आप यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम O, A, B, D, C, चेक करिए, ट्रेपेजियम O, A, B, D, C। अब एरिया कैसे लिखते, एरिया लिखते आप हाफ ऑफ O, A प्लस B, C इंटू हाइट ओ सी, इसको भी चेक करते हैं एक बार, हाफ ओ ए यू के बराबर है, बी सी वी के बराबर है, और हाइट टी के बराबर है।
हम यू के फॉर्मेट में आंसर चाहते हैं, यू टी के फॉर्म में, तो भी को तो हटाना पड़ेगा हम लोगों को, तो भी को कैसे हटाएं? हाफ इंटू यू प्लस ए टी, भी के बदले हमने रख दिया इंटू टी। आगे बढ़िए, हाफ ब्रैकेट में है टू यू प्लस ए टी और ब्रैकेट के बाहर है टी। अब देखिएगा, हाफ से भी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और टी से भी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू वही आ गया जिसे हम लोग ढूंढने में लगे हुए थे, एस इक्वल्स टू यू टी। हाफ वाला टू से कैंसिल आउट हो गया, टी एक बगल में आया राइट साइड से चल के, और साथ में ये हाफ ए टी स्क्वायर। यदि हम ये याद रखते हैं कि एरिया जो होता है ग्राफ के नीचे का डिस्प्लेसमेंट देता है, तो उससे ये रिलेशन चला आया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हमने पहले ही पिछले टर्न पे याद करवाया है आपको कि वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है अंडर ग्राफ, जो एरिया बनेगा टी और वो ग्राफ वाले लाइन के बीच का, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। प्लीज इसे नोट कर लें। यदि ट्रेपेजियम का एरिया सबको नहीं याद हो तो क्या करिएगा, ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर ऐड करिएगा। वैसे ट्रेपेजियम का हम याद रखें तो अच्छी बात है। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, एस का जो एक लाइन ये आया है, ये वाला लाइन एस इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी, ये जो यहां से हम लोग देख रहे हैं ना, इस लाइन का एक बार और यूज करने वाले हैं अभी। रिकॉल करिए, एक तो जो इस डब्बे में है रेड वाला और एक जो यहां है रेड वाला डब्बा राइट साइड में ग्रीन को घेरा है, ए वी माइनस यू बाई टी। तो उससे हमें पता चला टी इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, मतलब t का वैल्यू इसमें ऊपर वाले इक्वेशन में ले जाके रख देते हैं, तो क्या आ जाने वाला है, s इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस v को v प्लस यू लिख देंगे तो कोई इसमें कष्ट तो नहीं होना चाहिए, हाफ इंटू v प्लस यू और t के बदले ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, v माइनस यू बाई ए। अब ये v प्लस यू इंटू v माइनस यू तो आप जानते हैं क्या होता है, और लेफ्ट साइड आ गया 2as और राइट साइड में हो गया a प्लस बी ए माइनस वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा मेहनत और कर लें तो अरेंज करने पर जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है वो देखिएगा क्या आ गया, v स्क्वायर को रहने दो, u स्क्वायर को लेफ्ट ले आए, u स्क्वायर प्लस 2as ये v स्क्वायर आ गया। सर पता नहीं आपने क्या क्या कर दिया, ये तो बड़ा लफड़ा है। अरे एनसीईआरटी उठाना, खूब डिटेल लिखा हुआ है, तो आप उसे भी अब पढ़ के देखना, मैं एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि दो बार तीन बार देखने के बाद ये याद हो जाता है, आपके स्कूल के हिसाब से डेरिवेशन याद रखना है।
हमारे कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन नहीं रहता है, न्यूमेरिकल केवल रहता है। तो उसके लिए हमने पिछले दो लेक्चर में कोशिश किया है, वही कोशिश आगे और कर सकते हैं। लेकिन एक डेरिवेशन जो है वो भी मैंने लिख दिया, एक बार और मैं समझा देता हूं। सर एक ही पेज पे क्यों लिख रहे हो, इसको तो तीन चार पेज में लिखो। हाँ तो वो मैं कोशिश करता हूँ अगला पेज पे। क्या मैं पेज चेंज करूं? ठीक है, यहां फिर से एक बार देखिए, आप क्या बना रहे हैं? तो एक तो टाइम एक्सिस ले रहे हैं और एक वेलोसिटी एक्सिस ले रहे हैं, और ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बनाया हमने, जब स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इस टाइम यहाँ बदलता जा रहा है, टाइम के बदलने के साथ साथ वेलोसिटी बदलती जा रही है। जब टाइम जीरो था शुरू में तो वेलोसिटी है यू, और टाइम बढ़ते बढ़ते तो वेलोसिटी हो गया वी, और टाइम बढ़ते बढ़ते हो गया है टी। अब यदि ये पॉइंट क्लियर हो आपको, तो इसके बाद कहानी ये शुरू होता है कि यहां हम नाम वाम कुछ रख देते हैं। नाम कुछ यदि रख दूं तो आप ABCDEFGH कुछ भी जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं। मैंने नाम रखने के लिए सोचा ब्लैक कलर तो यूज कर लूं या रेड कलर तो यूज कर लेता हूं। यहां कह देता हूं ओ, ये पॉइंट हो गया है बी, ए ये बी, ये जो यहां पर मैंने कह दिया है डी, ये है सी। अब देखिए इस ग्राफ में बी सी जो है ये हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, और बी सी का जो लेंथ है यहां से यहां तक वही वैल्यू किसका दे रहा है? वी का। चेक करिएगा बी सी यहां है, यहां भी है, और बी डी तो हम देख रहे हैं चित्र से, और ये डी सी के बारे में सोचते हैं। डी सी दिख रहा है यहां से यहां तक, डी सी, और वो यहां से यहां तक दिख रहा है यू। तो हम लोगों को पता चल गया बी डी इक्वल्स टू हो गया वी माइनस यू। तो ये हम लोगों ने यहां कैलकुलेट कर लिया है कि जो डायग्राम है उसमें v माइनस यू बी डी के बराबर दिख रहा है। अब बाय डिफिनीशन एक्सलेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां चित्र से फ्रॉम डायग्राम एक्सलेशन जो है
ये हो गया बी डी, जो देगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन जो है ए डी। बी डी तो हो गया वी माइनस यू, और ए डी का जो लेंथ है ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ए डी, और यहाँ से यहाँ तक देखिए वो है टी, तो बाय टी। तो यहाँ आपने क्या किया, ए टी हो गया वी माइनस यू, और वी इक्वल्स टू हो गया यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने यहां देखा, ये वैल्यू आ गया। अब यदि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ गया तो अगले स्टेप में हम क्या ढूंढ रहे थे, s। s के लिए हमने कह दिया एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी ओ, और वो हो गया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट ओ सी। यहां यदि हम इसे लिख रहे हैं आगे, तो ये S इक्वल्स टू आ जा रहा है एरिया के लिखने के लिए वन बाई टू यू प्लस वी इंटू टी। यू और वी के बदले हम लोग फिर से लिख देते हैं, अभी अभी आया था यू प्लस ए टी इंटू टी। अब चेक करिए, S इक्वल्स टू हो गया है हाफ टू यू प्लस ए टी, और राइट साइड में टी, और हाफ को लेफ्ट साइड से इंटर करो, राइट साइड से टी को भीतर ले जाओ, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये हो जा रहा है यू टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही रिलेशन हम ढूंढ रहे थे, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस कहां से लाएंगे, तो एस इक्वल्स टू एक आ गया है आपके पास हाफ वी प्लस यू इंटू टी, और टी के बदले आप लिख सकते हैं, पहले ही देखा है वी माइनस यू बाई ए, यहां से आ गया आपके पास वी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने याद किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी प्लस यू वी माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, टू ए एस लेफ्ट में आ गया टू ए, तो टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहां से आ गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब हम 11th में आते हैं 12th का कैलकुलस सीख लेते हैं, तो कैलकुलस से भी इन्हें डिराइव कर लेते हैं, और मेन डेरिवेशन का तरीका कैलकुलस ही। तो मैं मान के चलूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और यदि आया तो हैंड राइज कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया जिया, अरे वाह सॉरी, बहुत अच्छा। प्रणय एक बार और समझाऊं, रिवांश आपको समझाऊं एक बार और,
प्रणय, आप यदि कहेंगे नहीं तो मैं दोबारा कैसे समझाऊंगा, और समझ में आ जाता तो अच्छा था ना। यस सर। एक बार और समझा दूं? यस सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यहाँ एक आपके सामने ग्राफ है, ये चित्र है, जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी। और बीच में एक पॉइंट दिया गया है डी। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ यदि ये लेंथ है 7 मीटर, इधर तो आपने लेंथ देखा 5 मीटर, और ये जो लेंथ है ये है 4 मीटर, तो ये एरिया कैसे निकालोगे? क्या कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? अच्छा, इस शेप को क्या कहते हैं? शेप का नाम बताइए प्रणय, इसको क्या कहते हैं? इस शेप को क्या कहते हैं? और फिर मैं पूछूंगा इस शेप को क्या कहते हैं। पहले का नाम बताइए, फिर दूसरे का नाम बताइए, फिर तीसरे का नाम बताइए। पहले वाले शेप का नाम क्या रखेंगे? सारे साइड एक जैसे हैं और सारे साइड और 90 डिग्री दिख रहा है सारे एंगल। अरे यार, ये नहीं बताओगे तो मैं कैसे फिजिक्स सिखाऊंगा? स्क्वायर कहते हैं इसे, इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और इसको क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। आप यदि ये नाम जानते रहेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। प्रणय बताओ, ट्रेपेजियम को पहचानते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं जानते हो तो मैं और समझाऊंगा। चलो। यस सर। यस सर, पक्का? यस सर, जानता हूँ। ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है? दो साइड पैरेलल होते हैं और बाकी दो साइड आपस में पैरेलल नहीं होते, और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल के बीच, तो हम कहते हैं इसका एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स, दैट इज हाइट। तो अब बताओ, क्या यहाँ कोई ट्रेपेजियम दिख रहा है तुम्हें या नहीं दिख रहा इस जगह? बालक आंखें खोलो और बताओ, यहाँ जो कलर्ड किया गया एरिया है ये स्क्वायर है या ट्रायंगल दिख रहा है या रेक्टेंगल दिख रहा है या ट्रेपेजियम दिख रहा है? कुछ तो दिखेगा। आंखें खोलो और बताओ जल्दी से देख के, ये एरिया क्या कहलाएगा? प्रणय, यदि नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? तुम कहो कि सर मुझे ये ताजमहल लग रहा है या कुतुब मीनार लग रहा है, ये मुझे रेक्टेंगल ट्रेपेजियम स्क्वायर सर्किल नहीं दिख रहा। कितने साइड हैं इसके, पहले यही बता दो, 3 साइड या 2 साइड या 1 साइड? एक, 2, 3, 4। 4 साइड से मिलकर के क्या बनता है, सर्किल या ट्रायंगल? सर, 4 साइड वाला होता है क्वाड्रिलेटरल। तो पहले इतना अकल लगा लो बालक, बोलो ये क्या है? मतलब आवाज कम आ रही है इस वजह से नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, अब मैं ही बोल देता हूँ फिर। ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है। तो जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ बनाया था हमने? वेलोसिटी और टाइम का। फिर हमने यहाँ से यहाँ इनके कुछ नाम रख दिए, ओ ए बी सी, और बीच में ये आ गया डी। यहाँ ग्राफ कौन सा था? तो ओ से ए वाला लाइन ग्राफ था, बाकी तो ऐसे ही डिस्टेंस बताने का काम कर रहा है।
ए पर जो वेलोसिटी है, ए पर जो वेलोसिटी है दैट इज यू, जो बी पे वेलोसिटी है दैट इज वी। और यहां हम यदि बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में, अब ये ग्राफ क्या है, ये टी टाइम तक का जो स्पीड बदला है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ टाइम जीरो है, यहाँ टाइम टी इक्वल्स टू टी है, ये पूरा टाइम यहां से यहां देखोगे तो टी, तो यहां से यहां देखोगे तो टी, यहां से यहां चूंकि इसके बराबर है तो ये यू, ये यू, यहां से यहां आप देखोगे तो ये दिख रहा है वी, ये दिख रहा है वी, इसलिए तो ये जो हो जाएगा बीडी, ये जो बीडी दिख रहे हो ये कैसे लिखोगे, वी माइनस यू, यही है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और दूसरा एडी जो लिखोगे वो ओसी के बराबर होगा, ये टाइम टेकन टी के बराबर आ गया। एक्सेलरेशन क्या लिख रहे थे हम लोग, एक्सेलरेशन लिख रहे थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन हो गया वी माइनस यू बाई टी, ये वी माइनस यू हो गया ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v का वैल्यू आ गया u प्लस ए टी, इसे हमने कह दिया वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। आराम से देख लो। अच्छा बाकी आप लोगों के समझ में सबके आ गया, रियांश आपको मैं समझाऊं, रेवांश? यस सर। यहां तक आ गए आप, समझ में आया यहां तक का? यस सर। बहुत बढ़िया, इसके बाद क्या करना है अपने को, एस के बारे में जानते हैं एरिया। अब एरिया किसका, ओ ए बी सी ओ, किसका, ओ ए बी सी ओ जो है वो पूरा एरिया ट्रेपेजियम है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज यू प्लस बी, और इनटू हाइट दैट इज टी, और वी के बदले आप क्या पुट अप कर देते हैं, ये टी बाई टू को आपने देखा यहां और ब्रैकेट में लिख लिया यू प्लस ए टी, मल्टीप्लाई होके चला आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इससे चला आता है s। अब s वाला काम हो जाता है तो फिर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s, तो s इक्वल्स टू हमने ट्रेपेजियम का एरिया देखा था u प्लस v इनटू t, एक्सेलरेशन हमने पहले देखा है v माइनस u बाई t, तो यहां से t के बदले आ जाता है v माइनस u बाई a, और इसको ले जाके यहां रख देते हैं तो s बराबर आ जाता है हाफ u प्लस v इनटू v माइनस u बाई a, 2as equals to हो जाएगा v plus u into v minus u, 2as हो जाएगा v square minus u square, u square plus 2as हो जाएगा v square। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है जिससे ये फॉर्मूले हमें याद हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए और डेरिवेशन भी याद हो जाए। तो पिछले लेक्चर्स आपका ये रेवांश पिछला पहला लेक्चर है आई थिंक, सौर्या आपका ये पहला लेक्चर है किन्हीं एक का पहला लेक्चर मुझे लग रहा है। नो सर। रेवांश आपका, तो बाकी इसके पिछले वाले दो तीन लेक्चर देख लीजिएगा जिनका पहला लेक्चर हो, और ये डेरिवेशन आज हमने बताया लेकिन इनका एप्लीकेशन पिछले लेक्चर्स में आया हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे किसका, एवरेज वेलोसिटी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और एक होता है टर्म डिस्टेंस।
तो दूसरा टर्म इसी से निकल के आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो अगले टर्न पर हमारा पूरा फोकस होगा डिस्प्लेसमेंट को समझें, डिस्टेंस को समझें, और फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।